मुश्किल है। इस बल्ब टेंटिकल एनिमनी जैसे तो पूरी तरह से क्लाउनफिश पर निर्भर है और उनके बिना जी ही नहीं सकते। सच तो ये है कि उनके स्पर्शक तभी पूरा आकार ले पाते हैं जब वहां रहने के लिए क्लाउनफिश आ जाती है। इनका यह रिश्ता आज भी रहस्य है। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एनिमनी का अपना खास तरीका है। वो अपनी हूबहू नकल बना लेते हैं। पहले बेशुमार लहलहाते स्पर्शकों की एक एनिमनी बस्ती होती है और फिर वो एक की दो होते होते एक सी दिखने वाली अनगिनत बस्तियां बन जाती हैं। लेकिन ऐसे तो सिर्फ हूबहू नकलें बनती है, जबकि सूर्य के प्रकाश में नहाई इस प्रवाल भित्ति पर यह बहुरंगी जीवन बनता है यौन प्रजनन से। उसी के कारण हर बदलाव आता है। क्लाउनफिश का प्रजनन भी विचित्र है। हर एक एनिमनी पर जो सबसे बड़ी मछली होती है वो हमेशा मादा होती है। उसके साथ कई नर होते हैं और जब वो मर जाती है तो कुछ ही दिनों में सबसे वरिष्ठ नर खुद को मादा में बदल लेता है और अंडे देने लगता है। इनमें शुरू में सारे भ्रूण नर ही होते हैं। क्लाउनफिश सारा साल अंडे देती है क्योंकि विषुवत क्षेत्र में प्रजनन किसी मौसम का मोहताज नहीं है। वो एक साथ सैकड़ों अंडे दे देती है और